हमारे घर पे कोई जेंट्स रहता नहीं है, पुलिस वाले आके हमको यहाँ धमकी देते हैं, खाली चलो बोलते हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। हमने किसके उस पे जाना पुलिस स्टेशन में, आ जाके बस बोलते रहते तुम्हारे नाम की कंप्लेन हुई बोल के। लेडीज पुलिस नहीं आती, जेंट्स आती है और बोलते तुम्हारा आना ज़रूरी है। हम बोले भी जेंट्स नहीं है तो खाली चिट्ठियाँ देते और चले जाते, आना ज़रूरी है बोलते। है भी नहीं, झगड़ों में है ना, लफड़ों में ज़बरदस्ती वो लोग का खुद लड़ते, गालियाँ गलौज करते, मारने को आते, लेडीज को गालियाँ देते, वीडियो बनाते लेडीज की। आपने इसके ऊपर कभी कंप्लेन करे? हमने कंप्लेन नहीं, एक्शन नहीं लेते उसके ऊपर। आपने कंप्लेन कहाँ पर करे थे? सिटी चौक पुलिस चौकी में। सुन, बच्चों को सताती है ये, बच्चों की वैल्यू ख़राब कर रही है, बच्चे इसके आए तो जवान बच्चों को मार के आए तो पुलिस थाना पहुंचाते है। ये अच्छा है क्या किसी बच्चों को है तो ऐसी तकलीफ़ देना, ऐसे वो करना? महिला बोलती है सब तुम्हारा है, पूरा तुम्हारा महिला है, तो ये महिले के बाहर है कि घर में है? ये गाड़ियाँ खड़े नहीं रहने देती, साइकिल खड़े नहीं रहने देती, रिक्शे खड़े नहीं रहने देती, बच्चों को जब चलना मुश्किल है, बाहर गए तो गए क्यों, अंदर आए तो आए क्यों, रास्ते से चले तो चले क्यों, यानी ये बातों की पूरी तकलीफ़ होती है बच्चों को, और बच्चों के नाम की पुलिस थाने में रिपोर्ट होती है कि यानी ये बच्चे ने है तो हमको देख के हंसा ही क्यों, ये बच्चे ने हमको देख के चला ही क्यों, ये बच्चे ने हमको देख के ऐसा करा ही क्यों, तो यानी ये थाना बोले तो ये एकदम यानी बच्चों की बिल्कुल वैल्यू ख़राब कर दे रही है ये औरत। तो ये मासूम बच्चे, जवान बच्चे, इनकी वैल्यू अभी से ख़राब हो जा रही है, तो आगे चल के ये बच्चे कैसे होंगे? मतलब एक शख्स की वजह से पूरा महिला वो हो रहा ना, एक शख्स की वजह से बार बार पुलिस आती है तो बच्चे बोलते हैं कि पुलिस आ रही है करके। ये क्या है, ये कई साल भर से, दो साल से ये नाटक चल रहा है। अब ये बच्चों की कोई उम्र है क्या? ये 16 साल के, 15 साल के, ये बच्चों की कोई उम्र है क्या? अभी क्या मांगे पुलिस वाले? ये है कि ये भाई ये लड़ाई झगड़ा ये ख़त्म करो और ये बच्चों के नाम की कंप्लेन कम कर दो। ये दवाखानों में एडमिट हो रहे बच्चे, कहीं उनको दवाखानों में मार रहे, कहीं घरों पर मार रहे, क्या है ये तमाशा? नहीं, देखो ये बच्चे के ऊपर भी कम्प्लेन करा था उसने, ये बच्चा छोटा है, ये बच्चे के ऊपर कम्प्लेन डाला 3 बजे रात में उठ के पत्थर मार रहा बोल के। अब ये बच्चा पत्थर मारने ऐसा है 3 बजे रात में उठ के, यहाँ अंधेरा रहता वो रहता, ये बच्चे 3 बजे उठ के रात में पत्थर मारा बोल के इसके ऊपर कम्प्लेन दर्ज करे। आए दिन जो है ऐसे बच्चों को जो है तराश देते रहते। अब महल्ले में बच्चे नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे? पूरा अधिक्रमण करके रखा, अखाब वाले भी कुछ नहीं बोले, कॉरपोरेशन वाले कुछ नहीं बोले। कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि ये जो गुंडा राज चल रहा है इसको आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, और जो ये रोज़ाना जो है यहाँ पर गांजा बटन प्लेयर जो बैठते हैं इनको ख़त्म करें, और जो है यहाँ से लेडीज़ जो रास्ते से गुजरती है तो उनको जो है नशे वाले आ जाके छेड़ते, पत्थर मारते, आना जाना मुश्किल है। हाँ, ये तकलीफ यहाँ पर ऐसा है कि पहले मैं जब स्टार्ट में हम आए थे 40 साल पहले तो जब कोई इतनी तकलीफ नहीं थी, ये 4-5 साल से इतनी तकलीफ दे रही। अरे इनको खाली ये इतना मकान दीबे, ये यहाँ से इतना 20 फीट का, ये बाकी पूरा घेर रही है, और हम यहाँ पर शुरू से आए हुए, हमको सब मालूम आते हैं, मैंने जी ये प्लाटिंग की मार्किंग करावा है क्या, और वो हमारी जगह है, हमारी जगह बोल के हरिजमी करते, लोगों को रास्ता बंद करते। हमारी जगह है बोलते, अतिक्रमण करते, जबकि मेरे को मालूम है किसकी कितनी जगह है बोल के, क्योंकि ये प्लाटिंग का पूरे नाली के मार्कोट मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, किसका कौन सा घर कितना है क्या है मेरे को सब मालूम है। हाँ, और इनके टेंशन की वजह से घड़ी घड़ी मेरे बच्चों को तकलीफ देते, मेरे बच्चों को धौसा देते, मारने की, जान से मारने की, इसकी उसकी, और बोलते हम पुलिस स्टेशन में पैसे चलाते, पुलिस वाले हमारे से पैसे खाते बोल के तुम्हारे ऊपर हम कंप्लेन ना करते, ऐसा बोलते, और हम रात दिन पैसे चलाते बोले पुलिस स्टेशन में, हमारा कोई कुछ बिगाड़ता नहीं बोले। CP साहब के पास भी कंप्लेन करते बोले, वो भी कुछ बिगाड़ते नहीं, हमारा सब पैसे चलाते बोले, ऐसा बोलते, और मेरे बच्चों को हरेसमेंट करते। मैं बहुत तंग आ गया, आखिर में ऐसा सोच रहा मैं कि कुछ भी करके खा के मर जाना बोल के, और ये इसके इनका नाम बताना, और इनके टेंशन की वजह से मेरी औरत मर गई क्या, ये ऐसे कंप्लेन करते हो बोल के, और पुलिस वाले आ जाके हमारे ऊपर ही कंप्लेन लेते, आते हम घरों पर नहीं रहते, हमारे घर में पूछते है क्या तुम्हारे आदमी, हाँ, और बोलते तुम्हारे नाम की कंप्लेन है। अरे भाई महल्ले में आना, चौकसी करना, आजू बाजू वाले लोगों को पूछना, वहाँ से बैठे बैठे कहीं ऑनलाइन कंप्लेन लेते, मुझसे बोल के 6-6 महीने पहले की पुरानी कंप्लेन लेते, कहीं 20 दिन पहले की पुरानी कंप्लेन लेते, ऐसे कहीं चलता क्या? अभी मेरे बच्चे को उन्होंने मारे 4 जून को, हाँ, ये 4 दिन सीरियस था। ये वहाँ पर बेगमपुरा पुलिस स्टेशन वाला खुद पुलिस वाला कंप्लेन लिखने को आया था, इसकी कंप्लेन लिखा था, जब डॉक्टरों ने खुद बोले कि ये बच्चा अभी हम 2 दिन नहीं छोड़ते बोल के, लेकिन मैंने फिर उसके दूसरे दिन 5वें दिन मैंने बोला भाई छुट्टी दे दो, मेरे को काम है बोल के,
इनके तकरारों की वजह से हमारे काम आ जाते हैं, हम भूखे रह रहे हैं इनके वजह से, इनके बाद हराम के पैसा रहे। सबसे पहली बात है जो सर्विसिंग है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैसा है गुंडाराज चला रही है, तुम्हारे गांजे वाले और बटन गोले वाले शराब पीने वाले, आज सवेरे भी कम से कम 8-10 लोग बैठे थे गांजा पीते हुए, मैंने मेरी आंखों से देखा। पर मेरे पास कैसा ऐसा मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं बता लूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है तुम्हारे महानगरपालिका कमिश्नर से कि सबसे पहले आकर ये जो है सर्विसिंग बंद करें, और यहाँ पुलिस प्रशासन से कि ये जो गुंडे लोग आके बैठते, ये जो चरस गांजा पीते, इनको पाबंदी करें। क्यों? क्या बड़ी बड़ी गाड़ी आती है यहाँ पर, हर ड्राइवर नशा करता, बगैर नशे के कोई गाड़ी नहीं चलाता। ये छोटे छोटे बच्चे महल्ले में फिरते, एक आधे बच्चों का अगर उन्हें उधर के उधर उड़ा के चलेगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा इस? और महल्ले में चलाने का परमिशन थोड़ी थे, रोड पे चला तुम सर्विसिंग, महल्ले में कैसे चला रहे थे? इसका अलाउड कहाँ है? इसका लाइसेंस दी क्या गवर्नमेंट ने? ये जो सर्विसिंग महल्ले में चला रहे, शराब पी के आते ड्राइवर लोग, मैंने खुद कई टाइम देखा फुल ड्राइवर शराब पी के आते, गाड़ी लेके आते यहाँ पर, ये छोटे छोटे बच्चे खेलते, अगर एक आधा बच्चा मार के चले जाए इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? पुलिस वाले रहेंगे? कौन रहेगा इसके जिम्मेदार? छोटे छोटे बच्चे महल्ले में फिरते, गाड़ी वाले ने एक आधा ने अगर उड़ा के चले गया, इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? तो मेरी सबसे पुलिस से महानगर पालिका कमिश्नर से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसका बंदोबस्त करें। बोल, मेरा नाम शेख मजरुद्दीन है, शेख शमशुद्दीन, ये सामने वाला शेख इरफान शेख इस्माइल, शेख रिजवान शेख इस्माइल, हम वहाँ, ये और मैं मेरा भाई वहाँ बैठे थे, 112 पे कॉल लगाया, गाड़ी बुलाया वहाँ पे, और ये भाई वहाँ बैठे थे तो आया, इनके ऊपर हमला करा तो हम सिटी चौक गए, वहाँ पे इनका मेमू लिया, इनके ऊपर हमला करा था, हम गाड़ी दवाखाना में गए, बाद में मेरे ऊपर हमला करा, मेरे को मारा, मैं एडमिट था, ये मेरा घाटी का डिस्चार्ज कार्ड, मेरे FIR भी दाखिल है बेगमपुरा पुलिस चौकी में, 24 जून को मेरे ऊपर FIR हुई, उल्टा मेरे ऊपर गुना दाखिल कराए। सर ये कैसा गुना दाखिल हुआ, क्या हुआ, इसके पंचनामा हुआ नहीं, फिर काय के बेस पे तुम गुना दाखिल कर रहे, ज़रा तुम पंचनामा करो, देखो ज़रा फिर। और ये तो भाई काय में नहीं थे, मेरे वालिद नहीं थे काय में, उनका नाम भी झूठे तकरार डाल रहे, झूठी अर्ज कर रहे वहाँ पे, फिर FIR करा रहे। पुलिस कमिश्नर साहब से यही अपील है मेरी कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और इसका पंचनामा। मैं शेख शहबाज शेख इरफान, ये ज़बरदस्ती वहाँ बैठे भी ना घर के पास, तो ज़बरदस्ती पुलिस को 112 नंबर पे गाड़ी फ़ोन मार के बुलाता है, और हम वहाँ गए बात करने को तो हमको गाली गलौज करके हमारे ऊपर हमला करता है, बटन अप ले रहा, बुलाता है, बिठाता है, और ज़बरदस्ती हमको तकलीफ़ देता है। हम अगर गली में रहे तो काम पे से आए तो हमारे को गाली गलौज करना, गए तो गाली गलौज करना, गाड़ी खड़े करे तो गाड़ी वहाँ क्यों खड़े करे, ज़बरदस्ती तकलीफ़ दे रहे। और मैं तो कहीं में कुछ नहीं था, मैं मेरे भाई को ले गया था हॉस्पिटल में, हमारे भाई को देखने गए थे एडमिट करे, तो उन्हें हमारे ऊपर हमला करा, भाई के ऊपर हमारे, और मेरा नाम ज़बरदस्ती डाला कंप्लेन में। पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करो। मेरा नाम शेख वसीम है, और मैं इस नूर कॉलोनी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 150 में, और काफ़ी दिनों से जो है मेरे को यहाँ बहुत तकलीफ़ है, और आए दिन जो है मेरे ऊपर जो है झूठी तकरारें होती है, और आए दिन जो है मेरे को हरेसमेंट जा रहा, और जो है मेरे को मॉड ब्लेचिंग करे जा रही है यहाँ पर, ये मेरी पूरी फैमिली खड़ी हुई है यहाँ पर, और आए दिन जो है हर तरफ से कंप्लेना होती है और झूठी तकरारें होती है, और मैं जब तकरार देने जाता हूँ तो तकरार होती है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और यहाँ से वहाँ तक इलीगल जो है पूरा पोजीशन करके रखा है यहाँ पर, और हमने कारपोरेशन में भी जो है तकरारें दी हुई है, और औकाफ़ में भी तकरारें दी हुई है, क्योंकि ये है औकाफ़ की ज़मीन और कारपोरेशन की, तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले आ रहा है, और जो है हमारे को यहाँ पर जो है बहुत तकलीफ़ है, और यहाँ आए दिन जो है यहाँ पर नशे वाले लोग और ऐसे वैसे वारदात होते रहती है, और मुझे और मेरे फैमिली को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सामने वाले जो घर वाले हैं यहाँ से वहाँ तक कब्जा करके बैठे पूरा, ये औकाफ़ का है, आज दिन जो है मेरे को धमकियाँ देते हैं जान से मारने की। एक का नाम शेख रिजवान है, एक का नाम शेख इरफान है, उसके बाप का नाम शेख इस्माइल है, ये सब मिल के जो है मेरे फैमिली को बहुत डिस्टर्ब कर रहे और बहुत हरेसमेंट कर रहे। कॉर्पोरेशन से भी गुजारिश करता मैं, और औकाफ़ बोर्ड से भी गुजारिश करता कि यहाँ पर आके कार्रवाई करे, हमने यहाँ पर लेटर भी दी हुए है, और सब चल रही है, आए दिनों से नहीं, ये 2 साल से यही तकलीफ़ दी जा रही है, और जो है यहाँ से पूरा रास्ता बंद हो चुका है, और गली में आने के लिए बहुत दिक्कत है। 4 जून 2023 को भी हमने कंप्लेन दी हुई है बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पर भी जो कार्रवाई नहीं हो सक रही, और जो है हमारे ऊपर ही ब्लैंक किया जा रहा है, और हमारे ऊपर ही जो है तकरारें दिए जा रही है, और पुलिस वाले जो है हमको ही डांट डपट कर रहे हैं और हमारे से मांग नहीं कर रहे हैं।
और जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई कोई एक्शन नहीं होता। आए दिन जो है सिटी चौक में भी तकरारें होती है और हमारे नाम की, हमको मालूम नहीं होता है पुलिस वाले। मेरी एक कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से और सिटी चौक पुलिस स्टेशन से गुजारिश है कि मैं इस शहर औरंगाबाद शहर से नूर कॉलोनी से बात कर रहा हूँ, वार्ड क्रमांक 49 से। ये जो सामने का घर है तो ये अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं उनके लेटर दाड़ा कॉर्पोरेशन ऑफिस में, वक्फ बोर्ड में, पुलिस स्टेशन में, कमिश्नर साहब आयुक्त के कने, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। और उसके उस पर जो है तो मेरे ऊपर झूठे और मेरे घर वालों के ऊपर झूठे पुलिस स्टेशन में जा के गुनाह दाखिल कर रहे। और दूसरी बात जो है तो आए दिन ये कुछ ना कुछ कारण से जो है तो हमारे से झगड़ा करते, पुलिस की गाड़ी बुलाते 112 पे कॉल करके, और फिर उसके बाद में पुलिस स्टेशन में जाते झूठी तकरार डाल देते कि हमारे घर पे पत्थर मारे, हमारे घर पे ये करे वो करे, ऐसा बोल के जो है तो हमारे ऊपर जो है तो खोटी तकरार दाखिल कर रहे। मैं आए दिन कमिश्नर के कने लेटर दे रहा, कुछ कार्रवाई हो रही नहीं। सिटी चौक में जा रहे, सिटी चौक में उल्टा जो है तो हमारे को तकलीफ और हमारे को तराश दे रहे इस पर। और कमिश्नर साहब को अभी लेटर दिया मैंने, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हुई नहीं। और पुलिस वालों को बात करें, अपने पुलिस वाले बोलते कि हम इनको बुला रहे फ़ोन करके, तो ये तो इनका जवाब देने के वास्ते जाते नहीं। और हमारे को पुलिस वाले फ़ोन करते, हम जाते उनसे मिलते बात करते, हमको जवाब दे के आते साहब हमारा ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद में हम 4 जून 2023 इसको झगड़ा करे, इसके ऊपर झगड़ा करे, सिटी चौक में हम गए, मैं मेरा भाई, हम तीनों मिलके गए वहाँ तकरार डालने के वास्ते। उसके बाद में हमने मेडिकल मेमो लिए, वहाँ से घाटी गए तो उनको मेडिकल मेमो नहीं दिया, तो उन्होंने वहाँ मेडिकल मेमो के वजह से घाटी में झगड़ा करे और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में जो है तो झूठी तकरार दाखिल करे। उसमें मेरे भाई को मारे वहाँ पर, इसके सर में रॉड से मारे वो करे। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 324 के NC लिए, FIR रजिस्टर करे और छोड़ दिए। बोले हम हमारे हिसाब से चेकअप करते, हम हमारे हिसाब से देखते, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं करे। और 24 जून को जो है तो उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई करे बेगमपुरा पुलिस स्टेशन वालों ने, जो नहीं थे उसमें मेरे पिताजी नहीं थे, मेरा बड़ा भाई नहीं था, ये खलेरा भाई नहीं था, इनके भी नाम डाले उसमें। क्या बोले, ये लोगों ने मारे, दूसरा खलेरा भाई भी नहीं, जो लोग नहीं थे उसमें उनके नाम डाल रही है। और ये इनका जो है तो ये एक ही सिंपल, इनका जो है तो एक ही इलाज करना कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने और अपने पुलिस कमिश्नर साहब ने, क्या भाई इनको कुछ ना कुछ पावन करो। और कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब से तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है, क्या मैंने अभी तक के 2020 से लेकर 2023 तक लेटर दिया। अभी जो नए कमिश्नर है श्रीकांत साहब, मैंने उनको भी लेटर दे के आया, लेकिन उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं करे। मेरा उनको इतना ही बोलना है कि जल्द से जल्द इसकी तहकीकात करो और इसके ऊपर जो है तो कुछ ना कुछ हल निकालो। और हमारे बस्ती का 20 फीट का रोड है, ये रोड भी बंद करके रखा उसने, लो उधर से हो, ये पूरा अतिक्रमण करके बस्ती का 20 फीट का रोड है, रोड के ऊपर कब्जा करके बैठा उसने। कॉर्पोरेशन के अधिकार आके बंद करके देख रही, दिख रहा नहीं उनको उनके पीछे बिल्डिंग के पीछे क्या चल रहा है, आके बंद करके बैठे हुए कॉर्पोरेशन अतिक्रमण हटा रहे नहीं। आए दिन जो है तो जान से मारने की धमकी देता, पूरे जो है तो बटन प्लेयर गांजे वाले प्लेयर यहाँ ला के बिठाता। और दूसरी बात जो है तो अपन कंप्लेन करने गए तो उल्टा अपने नाम की कंप्लेन कर देता। और जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तुम्हारे बच्चों को उठा के लेके चल जाऊँगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहता। और अभी फ़िलहाल में जो है तो 4 अप्रैल को जो है तो झगड़ा करा था, जो ज़मीन मालिक है जो मुतवली है उनसे झगड़ा करा था, उसमें मेरा नाम, मैं घर पे से देख रहा था तो बलजबरी मेरा नाम डाल दिया उसमें। अभी फिर जो है तो 24 जून को जो है तो फिर वही FIR पे जो है तो पेपर में उसने नाम डाला, मतलब हमारा रिकॉर्ड पूरा पुलिस स्टेशन में ख़राब करना चाहता। मैं तो मोहल्ले में रहता है, मेरा आगे घर है, मैं नमाज को जा रहा था, अब यहाँ झगड़े चल रही थी, हमने छुड़ाए थे, और उसमें मेरा कोई नाम नहीं था ना कुछ नहीं था। अब मैं पहले परेशान रहता मेरी बीमारी में, पहले मैंने पुलिस वालों को बताया था मेरी बीमारी में बहुत परेशान है, इन्होंने फिर भी मेरा नाम बलजबरी डाले। मेरा एक दोस्त है कासिम बल्कि, उन्होंने उसका भी नाम डाल दिया बलजबरी, ये बच्चों का नाम डाल दिया बलजबरी। और मेरा तो कोई लेना देना नहीं है इनसे, ना इनका झगड़े का लेना है। और हमारे रिश्तेदार आए थे तो गाड़ियाँ खड़े करे, तो उन्होंने गाड़ियाँ काट दी थी। मेरी गुजारिश है कमिश्नर से कि भाई मेरी कोई तकलीफ, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दिया आज तक महल्ले में। मैं तो नमाज पढ़ता, नमाज से घर जाता सीधा, मेरा धोबी धंधा है, दो रुपये जमा करता। अब मैं क्या रोज़ तकरार करते बैठूँगा, रोज पिटेशन में बैठूँगा। अभी मेरा नाम शेख इरफान है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पर जो है ये कॉर्पोरेशन वालों को अतिक्रमण इतना बड़ा दिख रहा नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसके बाद ये कार्रवाई नहीं करते। और ये पुलिस वाले बगैर इंक्वायरी बगैर पंचनामे के कंप्लेन लेते कैसा, और कंप्लेन लिए तो NC लेना, पहले दोनों को बुलाना,
सामने बात करना, सबूत के आधार पर इन्होंने एफआईआर दर्ज करना, ये झूठी कंप्लेना कैसा ले रहे हैं। पुलिस स्टेशन बेगमपुरा पुलिस स्टेशन सिटी चौक पुलिस स्टेशन से मेरी अपील है, पीआई साहब इस पर इंक्वायरी करे और इस पर कार्रवाई करे और जो झूठी कंप्लेन है ये कंप्लेन खारिज करे। ये बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, बच्चों के फ्यूचर ख़राब कर रहे। सब यहाँ काम धंधे वाले लोग हैं, कोई घर पर नहीं रहते, उसके बावजूद पूरे फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा, हमारे दो फैमिली को टारगेट कर रहा है। इसके खिलाफ़ कोई बोल रहे नहीं, जो बोले सब डर के मारे, बस्ती वाले बोल रहे नहीं, जो बोले उनकी कंप्लेन होती और पुलिस वाले पंचनामा नहीं करते, इंक्वायरी नहीं करते, डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करते। ये कौन सी कार्रवाई है, कौन सा कानून नहीं है, मैं पूछना चाहता कमिश्नर साहब को, पीआई साहब को, ये कितने गुना दाखिल करेंगे और कितने बच्चों का फ्यूचर ख़राब करेंगे। बस्ती में कोई हादसा होने का इंतज़ार कर रहे क्या? छोटे छोटे बच्चों को यहाँ खेलने दे रहे नहीं है, इसके ये पूरा ग्राउंड बना के रखा, पूरा अतिक्रमण घेरा, छोटे बच्चों बस्ती के यहाँ ग्राउंड में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चों को मारता, बच्चों को अकालता, गाड़ियाँ किसी की खड़े नहीं रहने देता, ये सर्विसिंग भी इलीगल चला रहा है, इसके पास लाइसेंस है क्या? पहले ये चौकसी करो, लाइसेंस है क्या इसके पास सर्विसिंग चलाने का? और यहाँ गाड़ियाँ खड़े कर रहा लोगों के लाके, और हमारे गाड़ियाँ बस्ती वालों के खड़े नहीं रहने दे रहा, किसी के घर में सुख दुख है वो लोग आते हैं तो उनको बोलता गाड़ी हटाएं यहाँ से, गुंडागर्दी कर रहा है, और इसके कंप्लेना झूठी कंप्लेना कैसा ले रही? सीपी साहब से मेरी अपील है, दोनों पीआई साहब से बात करके इंक्वायरी कराए, सिटी चौक पुलिस स्टेशन और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन। ये पुलिस वाले एक तरफा कार्रवाई कर रहे और हमको टारगेट कर रहे और हमारी फैमिली को डिस्टर्ब कर रही है। एक तो बच्चों की कंप्लेना ज़्यादा हो रही, उनके एफआईआर ज़्यादा दर्ज हो रही और उसके बावजूद हर चीज़ उसकी सुनी जा रही, हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही? हम बेगुनाह लोगों के परेशान हो रहे, हम इंसाफ के लिए अपील करते हैं, सीपी साहब से और कमिश्नर साहब से भी अपील करते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब भी और कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब से भी, ये अतिक्रमण इसके जल्द से जल्द साफ करो इसका, और इसके बाद इसके जितने झूठे कंप्लेना कराए कंप्लेना खारिज करो और चौकसी बिठाओ इस पर और इसको 420 में डालो, नहीं जितने झूठी कंप्लेना बच्चों की करा तो, और नहीं तो पूरी प्रूफ करो, सिद्ध करो इसके कोर्ट दो कंप्लेनों के कोर्ट से केस खारिज होने के बाद ये रिपीट कंप्लेना कर रहा, और आए दिन है तो 112 नंबर पर गाड़ी बुला रहा, पुलिस की गाड़ी बुला रहा, जरी बच्चों से भी बात हुई, छोटे छोटे बच्चों के वास्ते गाड़ियाँ बुला रहा और कंप्लेन कर रहा बड़े लोगों की, और लेडीज़ को आगे करता, और हमारे घर की लेडीज़ को उसके घर के जेंट्स गाला गलौज कर रहे, उसके बच्चे तो भी पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे और वीडियो बना के बताता है ये, इन्होंने ऐसा करे वैसा करे, पुराने वीडियो बताता है ये क्या है, एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है और हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? ऐसा अगर ये एक महीने में अगर इंक्वायरी नहीं होगी और कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर तो हम सब सीपी साहब का नहीं बैठ जाएंगे, जाके स्टेशन पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, हमको जा भी जाना पड़ा करेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे हम, ऐसा खाके मरने से अच्छा है भूखा मर जाएंगे हम। ये ज़बरदस्ती का अरेस्टमेंट है हमारी फैमिलियों को भी और बस्ती वालों को भी। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमें तो सुसाइड करने की परमिशन मांगेंगे कमिश्नर साहब से, दोनों कमिश्नर साहब से, हमको प्रशासन ने सुसाइड करने की परमिशन दे देना, हम पूरी फैमिली एक ही टाइम सोचेंगे जहर खा के, क्या ये हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके रखा, हमारी फैमिली को डिस्टर्ब करके रखा, बच्चों को काम धंधे नहीं करा दे रहा, रोज़ काम धंधे करने जाते तो पुलिस वालों के फ़ोन आते, सिटी चौक को आओ, बेगमपुरे को आओ, तुम्हारी ये एफआईआर हुई, वो एफआईआर हुई, ये क्या इन्हें क्या पुलिस स्टेशन को क्या घर बना के रखा कि जब दिल में आए जब कुछ भी एफआईआर करेंगे और पुलिस वाले ले लेंगे और इंक्वायरी नहीं करेंगे? ये कौन सा कानून है? आप आओ चौकसी करो, पंचनामा करो, बस्ती में पूछो भाई यहाँ झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, क्या सच्चाई क्या है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, जो झूठा उसको डालो ना आप अंदर डालो, आप कानूनी कार्रवाई करो, कोर्ट में केस करो उस पर। ये झूठी कंप्लेन कब तक लेंगे, अरे हमारी फैमिली को कब तक डिस्टर्ब करते हैं और ये बस्ती को कब तक डिस्टर्ब करेंगे? ये अतिक्रमण करके क्या साबित करना चाहता है, क्या पूरी बस्ती पे कब्जा करना चाहता है? ये लोगों के घर तोड़ के भी घुस जाएंगे, ये अतिक्रमण करेंगे, कॉर्पोरेशन आगे बंद करके बैठी उनके बिल्डिंग के पीछे, इतना बड़ा अतिक्रमण है, उनको खिड़कियों में से दिख रहा फिर भी अंधे बन के बैठे हो और कार्रवाई कर रहे नहीं अतिक्रमण वाले, कॉर्पोरेशन वाले, पुलिस वाले भी एक तरफा कार्रवाई करते, बस उनने कहा कि कंप्लेन ले लेते, उनने ज़रा कुछ बोला तो वो बहुत मान और सच्चा है वो जो उसकी कंप्लेन इतनी जल्दी आसानी से ले लेते तो, और हम लोग इतनी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही, छोटे छोटे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे, आदमी डिस्टर्ब हो रहे, काम धंधों से फैमिली डिस्टर्ब हो रही, पर महिला डिस्टर्ब हो रहा वो नहीं दिख रहा पुलिस वालों को, वो कॉर्पोरेशन को नहीं दिख रहा कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, जब एक अनहोनी हो जाएंगी, जब सबके आगे खुलेंगे एक आधा हमारा कम हो जाएगा, किसी को मार के फेंक देंगे, ये लोग बोलेंगे हमको मालूम ही नहीं, बाद में हाथ उठा लेंगे कौन मारा क्या मारा, हमारी कोई भी फैमिली में एक भी बच्चे को धक्का लगा तो उसका जिम्मेदारी ये फैमिली रहेंगी, ये शेख रिजवान, शेख इस्माइल, शेख इरफान और अशरफ बेगम जिम्मेदार रहेंगे हमारे फैमिली को अगर कोई डिस्टर्ब हुआ, और प्रशासन रहेगा जिन्हें आग बंद करके बैठा इस पर कार्रवाई नहीं करा तो, और हम सीपी साहब से मिलना चाहते हैं, हमको सीपी साहब ने टाइम देना चाहिए, हम उनसे टाइम लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे मिलकर हमारी फैमिली का दर्द बताएंगे और बस्ती की हालत बताएंगे, उनको रूबरू कराएंगे, सच्चाई क्या आप देखो साहब, और हम गलत है तो हमको सजा दे दो, हमको यहीं से अंदर भिजा दो बोलेंगे, हम खुद बैठने के लिए तैयार है अगर हम गलत है तो,
और सही है तो फिर उस पर कार्रवाई करो आप।